Nekar from GSS Kudalhora. And myself Meenakshi from GMMS Spotify Play. And हमने मॉडल बनाया है सिमेट्री के ऊपर, अल्फाबेट्स को कैसे हम बताएं कि कौन से अल्फाबेट्स सिमेट्रिकल हैं और कौन से अल्फाबेट्स जो हैं वो सिमेट्रिकल नहीं है। जैसे हम बी है, बी अल्फाबेट को अगर हम मिरर में देखेंगे, मिरर में देखते हैं तो इसका जो इमेज बनेगा वो इस टाइप का इमेज बनेगा। तो अगर हम इसको उठा के इसके ऊपर रखते हैं तो ये एक दूसरे को ओवरलैप नहीं कर रहे हैं, तो इसलिए बी जो है वो सिमेट्रिकल नहीं है। इसी तरह से अगर हम वी को देखें, वी को अगर हम देखते हैं, वी को देखते हैं अगर सिमेट्रिकल, तो वी में हम देख रहे हैं कि वी जो है वो सिमेट्रिकल है, लेकिन इस डायरेक्शन में अगर हम रखते हैं तो वी इस डायरेक्शन में सिमेट्रिकल नहीं है। तो सिमिलरली जो डी है, डी को भी हम ऐसे ही दिखा सकते हैं, जैसे डी जो है वो इस डायरेक्शन में सिमेट्रिकल नहीं है, बट इस डायरेक्शन में ये सिमेट्रिकल है। और ओ है, जैसे ओ अल्फ़ाबेट है, ओ अल्फ़ाबेट में हम देखेंगे कि ये सिमेट्रिकल है इन एनी डायरेक्शन, किसी भी डायरेक्शन में इसको हम रखेंगे ये सिमेट्रिकल ही होगा। दैट्स सो प्लेन मिरर की हेल्प से हम चेक कर सकते हैं कौन सा अल्फ़ाबेट सिमेट्रिकल है और कौन सा नहीं है, और हम प्लेन मिरर से ये भी चेक कर सकते हैं कौन से अल्फ़ाबेट में वर्टिकल लाइन ऑफ सिमेट्री है और कौन सी में हॉरिजॉन्टल लाइन ऑफ सिमेट्री है। जैसे ए अल्फ़ाबेट हम लेते हैं, तो ए अल्फ़ाबेट को अगर हम देखें प्लेन मिरर में, तो इमेज और ऑब्जेक्ट आपस में ओवरलैप करेंगे, इसलिए इसमें वर्टिकल लाइन ऑफ सिमेट्री है। बट अगर मैं ए को इस तरह से रखूँ तो इमेज और ऑब्जेक्ट आपस में ओवरलैप नहीं करते, इसलिए इसमें हॉरिजॉन्टल लाइन ऑफ सिमेट्री नहीं है। उसी तरह से अगर मैं टी अल्फ़ाबेट लेती हूँ तो इसमें मैं देखूँ तो मेरी इमेज और ऑब्जेक्ट आपस में ओवरलैप कर रहे हैं, तो इसमें भी वर्टिकल लाइन ऑफ सिमेट्री है। अब मैं लेती हूँ अल्फ़ाबेट एक्स, तो एक्स में मैं देखूँ अगर तो मेरा इमेज और ऑब्जेक्ट वर्टिकली रखने से भी सेम है और हॉरिजॉन्टली रखने पे भी सेम है, तो इसमें दो लाइंस ऑफ सिमेट्री हैं, हॉरिजॉन्टल भी और वर्टिकल भी। अगर हम अल्फ़ाबेट ओ रखते हैं तो हम देखते हैं कि इसको मैं किसी भी डायरेक्शन में रख दूँ, किसी भी तरह रख दूँ, ये हमेशा सिमेट्रिकल ही नज़र आता है, तो इसलिए इसमें मल्टीपल लाइंस ऑफ सिमेट्री हैं। अब ये कुछ अल्फ़ाबेट्स जैसे कि जिनमें सिमेट्री नहीं है, चाहे उनको वर्टिकल लिखते हैं चाहे हॉरिजॉन्टली रखते हैं, वो सिमेट्री नहीं शो करते क्योंकि इनमें ना ही हॉरिजॉन्टल लाइन ऑफ सिमेट्री है और ना ही वर्टिकल लाइन ऑफ सिमेट्री है। तो इस तरह प्लेन मिरर की हेल्प से बच्चों को लाइन ऑफ सिमेट्री, सिमेट्री का कंसेप्ट अच्छे से समझ भी आएगा और वो शो के इसको समझेंगे। एज ए गेम भी इसको हम क्लास में करवा सकते हैं। थैंक यू।